हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। कैसे सारे बढ़िया हो? और मैं आप सबसे नाराज हूँ। ये देखो, ये कॉटन का सूट है। नाराज हूँ वो बाद में बताती हूँ क्यों हूँ। ये देखो, पहले ये कॉटन का सूट है और मैंने इस तरह से वाइट कलर लिया है और ये नया डिज़ाइन है। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। और नाराज इसलिए हूँ क्योंकि ना मेरी वीडियो को उतना लाइक नहीं मिलता, उतना मतलब प्रेज नहीं मिलती, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितना मैं मेहनत कर रही हूँ। आप सबको दिखता ही है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। लेकिन आप अगर सच्चे मन से मुझे अपना गुरु मानते हो ना, जो जो सीख रहा है, तो जैसे अगर आप मेरे एकलव्य हो ना, मेरे से काम सीख रहे हो, तो बढ़ चढ़ के मुझे जो है ना मेरी वीडियोस को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा करो कि भाई हाँ, स्टेटस पे लगा दो, वायरल कर दो, सबको बताओ, मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। कई बार मैं ऐसे सोचती रहती हूँ, मुझे इतना फ़ोन के बारे में नॉलेज नहीं है और मैं अपनी वीडियो को कैसे वायरल करूँ, क्या करूँ। तो इस तरह से अगर आपको जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, उनको कोई नॉलेज है इस बारे में, तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करें, है ना। अब ये देखो, मैंने ये वाइट कलर किया है। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अगर आप मेरे लिए ये सब करेंगे। तो क्योंकि मैं इतना बिजी रहते हुए भी फिर भी देखो वीडियो बना रही हूँ। अभी हमारी गली में जो है मैरिज है, वो जो कुम्हार होते हैं ना, कुम्हार हमारे मोहल्ले में, राजस्थान में सब कुम्हार रहते हैं, तो वो अपने वो गीत डेक पे लगाते हैं बड़ी तेज तेज। अभी वो लगाने वाले ही हैं और मैं, भूख भी लगी है मेरे को, तो भी मैं वो छोड़ के ना, मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे उस तरह से वीडियो नहीं बनानी आती कि बाद में आवाज़ डाल दो, कुछ मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही मेरे पास वो है जो जिससे कि आवाज़ बाहर की नहीं सुनती, उसको क्या बोलते हैं, ईयरफोन टाइप, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं। वायरलेस माइक बोलते हैं इसको, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि कई बार देखते हो ना, अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, अब मेरी वीडियो में से शोर की आवाज़ सुनाई देगी आपको, सर्दियों में नहीं होती। गर्मियों में जैसे आसपास जैसे फैन चल रहा है, कोई जैसे बाहर निकल गया अभी गया है ना, ऐसी आवाज़ें आती हैं, वो मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है उस टेक्नोलॉजी की। तो क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर पर ही रहती हूँ, चलो इतना है कि भी वेले रहने से अच्छा कुछ तो कर रही हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। और मैं ये कई बार देखती हूँ कि जो मैंने अड्डा बनाया है ना, सब ने सेम ऐसा देख के बना लिया, और जबकि मैंने ये अपने माइंड से बनाया, मैंने बिल्कुल भी किसी का नहीं देखा, किसी का भी नहीं देखा, अपने माइंड से ही। मैंने एक दिन मैं ऐसे कूलर को देख रही थी, कूलर के स्टैंड को, और मुझे लगा कि भी ये ज़्यादा ऐसे सही ऐसे बना लेती हूँ, क्योंकि जिन जिनको नॉलेज थी कोई बताता ही नहीं था, मुझे बताना ही नहीं चाहता था। मैं अगर चाहती भी ना, तो मैं भी केवल फ्रेम पर ही वीडियो डाल सकती थी, मैं भी अपना ये किसी को ना बताती राज। लेकिन अगर हम ज्ञान कहते हैं ना, बांटने से बढ़ता है, और वही बात है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे
कभी-कभी कोई टेक्निक मुझे खुद को भी नहीं बताती जो बताते हैं, है ना। मुझे कोई बताता है, मैं किसी को बता रही हूँ, तो मुझे भी ऑब्वियसली ये प्रकृति का नियम है कि जो हम चीज़ देते हैं ना वो कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। अगर हम नेगेटिविटी देते हैं तो नेगेटिविटी लौटती है, अगर हम पॉजिटिविटी, जैसे मैं अगर सिखाने की अच्छी भावना से बताऊंगी ना तो मुझे भी उसका बेनिफिट 101% होगा। मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि मैंने जैसे आई हूँ ना वैसे ही दुनिया से चले जाना था। अगर मैं ये YouTube पे ना सिखाती या अड्डे के बारे में जो भी मेरे को कुछ पता है अगर मैं ना बताती ना, दुनिया में जैसे आई हूँ वैसे ही चली जाती। एक तो एक जो मेरा थोड़ा बहुत नाम हो गया, पहचान हो गई और मुझे काम मिलने लग गया, वो नहीं मिलता। ये ब्लेसिंग होती है कोई ना कोई। तो देखो देखो हर जगह जेलस भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है ना। अब जो मेरे से सीख कर कुछ अर्न कर पा रहे हैं तो वो दुआएं भी देते हैं ना, तो दुआओं की वजह से मेरा भी काम चल रहा है ना। तो इसलिए हमेशा जो हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके, है ना। और ये मैं कल ही बता रही हूँ, बस मुझे उनसे इरिटेट हो जाती हूँ कई बार। जैसे छोटी छोटी बात पे मुझे जो फ़ोन करते हैं ना, आपके अड्डे का साइज़ बताना या आप कौन से कलर यूज़ करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा ना बहुत बुरा लगता है मुझे। क्यों, काम छोड़ के एकदम फ़ोन उठाना, और फिर अगर आपको कुछ पूछना भी हो ना तो आपको मैसेज करना चाहिए भी। कई बार सामने वाले को गुस्सा लग जाता है कि मैं इस तरह से बात कर रही हूँ या कैसे भी है, जो भी है, या कोई भी पर्सन आप कहीं भी फोन करते हो। कई बार मजबूरी होती है, हम मार्केट में हैं, कई बार कहीं हैं, कई बार नहीं टाइम होता है ना किसी के पास इतना, तो इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने कली बना दी, अब इसकी ना बारीक बारीक, अभी तो ये देखो गीला है, इसकी बारीक बारीक सूखने के बाद आउटलाइन करेंगे। और एक ट्रे मेरी कलर वाली दूर पड़ी है, एक मैं आपको जो है ना पत्ती थोड़ी सी भी बता देती हूँ, छोटी सी लिव। इसलिए कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि, है ना, प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ करो कि मेरा और भी नाम हो, काम हो। इसके ना हार्ट शेप में पत्तियां हैं इसकी ना, इस तरह से बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बीच बीच में ना हल्का हल्का येलो का भी, येलो का भी टच,
आप बताना आपको कैसा लगा ये फूल। अभी थोड़ा बस फिनिशिंग रहती है, और वो फिनिशिंग है ना अभी मैं करके देखती हूँ, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सूखने के बाद कर सकते हो, है ना। अब मैं थोड़ा सा मैरून सा कलर बना रही हूँ। ओके, बस उनका डेक चलने ही वाला है। डेली जो है ना, मैं वैसे तो लेट बनाती हूँ वीडियो, जैसे उनका डेक जो है 11-12 बजे तक चलता ही रहता है। और मैंने सोचा कि मैं बाद में पेंटिंग करती रहूँगी और फटाफट बना लेती हूँ। देखो मैं कितने सेक्रीफाइस कर रही हूँ, भूख लगी है तो भी बैठी हूँ, है ना। तो इस वीडियो से मैं अंदाज़ा लगाऊंगी कि देखती हूँ आप कितना अपने गुरु को मानते हो और कितना वायरल करते हो। वो कोई काम फले फूले तभी उसको करने का मन करता है ना। अब मान लो मैं इतनी मेहनत करूं और फिर भी इतने कम व्यूज आए तो मन नहीं करता ना वो काम करने का। ये देखो इस तरह से सिंपल जी फ्रेंड्स, ये देखो ये फूल बन गया है, और इसको मैं साइड पर एक बार रख दूं। और ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये सारा इसको मैंने ऐसे बनाया है, और उस साइड जो है ना दुपट्टा बन रहा है। तो अब आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ओके, बाय बाय।